प्रिय विद्यार्थीगण, हम अपने पिछले कक्षाओं में अपने व्याकरण पाठ्य पुस्तक में से संधि के बारे में जान व समझ चुके हैं। हम यह भी जान चुके हैं कि संधि क्या है और संधि के कितने भेद हैं, और इसके अलावा हम स्वर संधि के बारे में भी जान चुके हैं और स्वर संधि के कितने भेद हैं। तो अपने पिछले कक्षाओं में हम स्वर संधि के कुछ अर्थात चार भेदों के बारे में जान चुके हैं और यह अब अंतिम भेद है। तो आइए अब हम स्वर संधि के जो अंतिम भेद है उसके बारे में जान व समझेंगे। अयादि संधि में जब ए ऐ ओ औ के बाद कोई दूसरा स्वर आता है तो ए का ऐ, ऐ का आय, ओ का औ और औ का आव हो जाता है। जैसे नंबर वन, ए की मात्रा इस प्रकार है के साथ अ की कोई मात्रा नहीं, इस प्रकार दोनों जुड़ने पर ऐ बनते हैं। जैसे ने के साथ अंक जुड़ने पर नयन। नंबर टू, ऐ की मात्रा इस प्रकार है अ कोई मात्रा नहीं और दोनों जुड़ने पर आय बनते हैं। जैसे गए के साथ यं जुड़ने पर गायन बनते हैं। नंबर थ्री, ऐ की मात्रा इस प्रकार है ई अर्थात छोटी ई, तो छोटी ई की मात्रा इस प्रकार है तो दोनों जुड़ने पर आई बनते हैं। जैसे नई के साथ ई का जुड़ने पर नायिका बनते हैं। नंबर फोर, ओ की मात्रा इस प्रकार है अ कोई मात्रा नहीं, दोनों जुड़ने पर औ बनते हैं। जैसे हो के साथ अ जुड़ने पर हवन बनते हैं। फाइव, औ की मात्रा इस प्रकार है अ कोई मात्रा नहीं, दोनों जुड़ने पर आव बनते हैं। जैसे पौ के साथ अप जुड़ने पर पावक बनते हैं। औ की मात्रा इस प्रकार है छोटी ई की मात्रा इस प्रकार है, दोनों जुड़ने पर आवी बनते हैं। नौ के साथ ई जुड़ने पर नेसर नावी बनते हैं। तो अब हम स्वर संधि के जितने भी भेद थे सभी के बारे में अच्छी तरह से जान चुके हैं और आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छी तरह से समझ चुके होंगे और यह समझना आवश्यक भी है क्योंकि इस पाठ के अंत में आप लोगों को कुछ होमवर्क अर्थात गृह कार्य दिए जाएंगे, उसके साथ ही साथ कुछ वर्कशीट भी दिए जाएंगे जिसे आप लोगों को खुद ही हल करने पड़ेंगे। तो आइए देखते हैं कि आप लोगों को गृह कार्य में क्या मिला है। होमवर्क जिसे हम अंग्रेजी में गृह कार्य, जिसे हम हिंदी में गृह कार्य भी कहते हैं, तो आप लोगों का गृह कार्य संधि विच्छेद कीजिए है। इसमें एक दो तीन चार और पांच प्रश्न हैं, तो इन पांचों प्रश्नों के हल आप लोगों को खुद ही करने पड़ेंगे और आशा करता हूँ कि आप सभी लोग सही सही कर पाएंगे। धन्यवाद।